असलकुम वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर में. आज सुबह सुबह मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड ट्राइफल एक्चुअली तो इसके लिए मैंने दो कप दूध लिया है और उसको मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए हल्की आंच पे. साथ में इसके पास्ता भी बना रही थी तो मैंने मैक्रोनीस को बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसके लिए हमें चाहिए होगा दो कप दूध और कंडेंस मिल्क कस्टर्ड पाउडर और उसके बाद मैंने आधा कप दूध ओढ़ लिया आप पानी में भी कस्टर्ड को मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैंने आधा कप दूध लिया फ्रिज से दूध लेना अपनी ठंडा क्योंकि ठंडे दूध में जब आप कस्टर्ड मिक्स करते हैं तो फ़ौर हो जाता है नीम गर्म में करेंगे या गर्म में तो वो जल्दी से मिक्स नहीं होगा उसको टाइम लगेगा क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए इसलिए इसके अंदर मैं ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और ये भी कि जो हमारे पास कस्टर्ड पाउडर मिलता है उससे आप कितना भी पाउडर डालें वो बिल्कुल पतला बनता है कस्टर्ड तो इसलिए हमें ज़्यादा ही ऐड करना पड़ता है कि ताकि थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको मिक्स कर तिल करता था इसको मिक्स करती रूँ बड़ा अच्छा लग रहा था उसके बाद मैंने इलायची ली है आप इसके बीज भी ले सकते हैं सीड्स और आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं मैंने तीन से चार इलायची या कह लेंगे तीन इलायची का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिया होगा सीड्स और इनको मैंने दूध के अंदर डाल दिया ताकि ये इसकी खुशबू दूध के अंदर आ जाए दूध को बहुत आपने गाढ़ा नहीं करना इसको बस एक दो उबाल आ जाए तो काफ़ी होगा उसके बाद मेरे पास केक पड़ा हुआ था जो आधा ही बचा था तो ये बिल्कुल सिंपल केक है आप लेमन केक भी ले सकते हैं कोई सभी केक जो सिंपल हो क्रीम के बगैर उसके बाद जो मैंने दूध और कस्टर्ड मिक्स किया था मैं उसके अंदर ही कंडेंस मिल्क मिक्स कर दूँगी आप चाहें तो दूध के अंदर कर लें जो उबल रहा है उसके अंदर कर लें या चाहे तो जैसे ये मैं करने लगी हूँ आप इस तरह भी कर सकते हैं इसके लिए मैंने छोटा टिन पैक लिया है क्योंकि हमें बहुत मीठा नहीं चाहिए अगर हम बड़ा यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें हर चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ये आधा टिन भी डाल सकते हैं ये पूरा भी डाल सकते हैं ये बिल्कुल छोटा सा है और इसको अब मैं अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करूँगी क्योंकि ये बड़ा थिक होता है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन अगर दूध ठंडा है और तो ये बड़ी जल्दी से फिर हो जाता है वाण में भी ये जल्दी हो जाता है उसके बाद आप ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए कोई सा भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो मेरे पास टिन पैक था और इसके अंदर तो पेयर्स थी फिर मैंने एप्पल्स लिए थे अनार लिए थे मैंने बस यही चीज़ें ली थी क्योंकि जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे फ़िलहाल और बनाना मैं नहीं डालती क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा तो नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है देखिए अब अब मैंने सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया है डाल दिया है तब तो ऐसे करते रहो मिक्स करते रहो है ना <laughs> जब मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ तो कब इसको स्टॉप करके बच्चों को देखना बाकी काम करने तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने में एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है ये देखिए यहाँ पे दूध बिल्कुल आ, उबल चुका है और मैंने इसकी आंच तेज़ ही की हुई है ताकि ये गुठलियाँ ना बने जब आप ये डालें तो गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए फ़ौरन इसको चम्मच चलाते रहें क्योंकि मेरे पास कैमरा था तो मैं फ़ौरन नहीं कर सकती थी लेकिन मैंने आ, कर दिया था बाद में जल्दी जल्दी फिर हिलाते ही रहना है अनटिल के वो थिक हो जाए तो बस ये हमारा कस्टर्ड रेडी है आप देख लें कि आपको कितना थिक चाहिए ना उतनी देर तक आप इसको फुल आंच पे हिलाते रहें और बनाते रहें कस्टर्ड बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता वो थोड़ा सारा टाइम लगता है और ये मैंने कस्टर्ड बिल्कुल थोड़ा सारा बनाया है क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए था उसके बाद मैंने केक के पीसेस काट लेने हैं केक जिस डिब्बे में था वो डिब्बा ही नहीं खुल रहा था इतनी मुश्किल से मेरे से वो डिब्बा खुला और फिर मैंने इसको काट लिया है आप चाहे तो ज़्यादा तो मोटे पीस काट लें चाहे तो छोटे काट लें इसके बाद मैंने एक बाउल लिया बड़ा सारा उसके अंदर मैंने केक को बिल्कुल जैसे कारपेट नहीं सीधा सब बिछाते ऐसे मैंने बिछा दिया उसको उसके ऊपर मैंने ये फ्रूट जो लिया है पेयर्स इसके इसका जूस मैं ये फेंकूंगी नहीं ये मैं केक के ऊपर डाल दूंगी ताकि वो केक थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए और वो जज्ब कर ली क्योंकि वो फ़ौरन से जो कस्टर्ड है वो सारा ना जज्ब कर सके उसके बाद मेरे पास एप्पल्स थे जो कि मैंने ऐड किए फिर उसके बाद मैंने कस्टर्ड जो बनाया था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया आप हर चीज़ की लेयर्स लगा सकते हैं इसके ऊपर इसके बाद कोई और फ्रूट भी डाल सकते हैं और जेलीज भी डाल सकते हैं जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं लेकिन मेक श्योर sure कि इसको चिल करते रहें फ्रिज में रखें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद ये अगर आप इसकी साइडों पे इसको सजाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसको बार बार फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि वो सेट हो जाए और आपकी सेटिंग जो है जो भी आपने इसको डेकोरेट करना है वो बड़ी अच्छी सी लगे अगर आप किसी मेहमानों के लिए करें अगर आप घर के लिए कर रहे हैं तो इसी तरह जैसे मैं फटाफट सारा फ्रूट डाल दिया हर चीज़ डाल दी और जल्दी जल्दी कर लिया सारा काम आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक केक की के लेयर लगा सकते हैं और उसके बाद फिर कस्टर्ड लगा सकते हैं जैसे बिरयानी की तह नहीं लगाते बिल्कुल वैसे देखें जी ये बड़ा खूबसूरत सा हमारा रेडी हो गया अब हम सोच मैं सोच रही थी इसको बस इतना ही रखूँगी लेकिन बच्चे मेरे बोल रहे थे कि इसके ऊपर हम विप क्रीम डालेंगे और उसके ऊपर भी हम कुछ डालेंगे तो मैंने कहा ठीक है उसके बाद मैंने उसको रख दिया था तकरीबन तो टू आवर्स के लिए फ्रिज में रखा है ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद हमने उसके ऊपर एक विप क्रीम जो है वो अच्छी सारी इसके ऊपर डाल देनी है उसके बाद मैंने जो अनार बचे हुए थे मेरे पास मैंने वो सारे फिर इसके ऊपर भी डाल दिए ताकि थोड़ा सा वो ना ख़ूबसूरत लगे मुझे वैसे ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं डेकोरेट वग़ैरह करना लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर देती हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा ट्राइफल अच्छा लगे ये मेरा बिल्कुल सिंपल वाला ट्राइफल है जो कि हम घर में आम मैं बना लेती हूँ लेकिन अगर मेहमानों के लिए बनाना हो तो फिर उसके लिए स्पेशल से चीज़ें ला के तो वो फिर बनाते हैं ताकि वो ज़रा खूबसूरत लगे जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी सिंपल वाली कैसी लगी है अब मैं और वेट नहीं कराऊंगी भूखों को क्योंकि वो अपने अपने बाउल लेके बैठे हुए हैं तो मैं जल्दी से सर्व करूंगी ऑलरेडी ही बहुत टाइम हो जाता है जब इसको फ्रिज में रखते हैं तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दो याद रखिए الله حافظ